उसका अगर अंडर रूट में लिखते हैं इक्वल टू, हम उसको कोई अदर नंबर दे सकते हैं बी, हमने उसको इक्वल टू रख दिया बी, जब उसका दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो ये बी होता था वो होता था ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो अंडर रूट जो ए है वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर ए की जगह जो ए की ए में नेचुरल नंबर की जगह अगर रियल नंबर होगा तो भी वो पॉजिटिव होगा। वो कैसे, अंडर रूट वही इक्वल्स टू बी रखेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास जो बी आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो ये जो है ए पॉजिटिव हो जाएगा एंड अंडर रूट भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की जहां पर हमें अंडर रूट 3.5 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जहां पर जो अंडर रूट 3 है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है ए, उससे 3.5 यूनिट्स एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप स्केल से करोगे तो सेंटीमीटर में ले सकते हो, तो जो एंडिंग पॉइंट होगा उसे लिख देना बी। अब क्या करना है, बी से आपको एक और 1 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है एंड एंडिंग पॉइंट को नाम दे देना सी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए सी का जो है वो मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे एंड उसको जो नाम दे दोगे वो दे दोगे ओ। तो अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये 4.5 हो गया, बाय में 2 करोगे मिड पॉइंट के लिए तो आपके पास आ जाएगा 2.25, ठीक है, वो कहीं इस इधर आएगा, तो ये हो गया हमारा ओ पॉइंट, ठीक है। अब क्या करोगे, ओ पॉइंट को सेंटर मानकर एंड ओ ओ सी या फिर ओ ए को कोई भी रेडियस, मतलब इक्वल ही है ये दोनों तरफ से, आप किधर से भी मेजर कर सकते हो कंपस से, उसको रेडियस लेना है एंड आपको एक यहाँ पर कंपस रख के अपना, और जो 2.25 का रेडियस लेके आपको ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं कि हम लोगों को जो आंसर है वो कैसे मिलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बी से इस सेमी सर्कल के ऊपर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, स्केल से करना ये सब, जिस पॉइंट पर वो कट करेगा वो हो गया हमारा पॉइंट डी, उसको नाम दे दिया हमने पॉइंट डी। तो हमारे मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग जो है ये जो लाइन है बी डी, ये ही हमें जो है अंडर रूट 3.5 जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप कहोगे अभी तो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, राइट, हाँ अभी हम इसको अंडरलाइन नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमारे पास बी डी आ गई उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3.5, ठीक है। अभी हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अब बी को सेंटर मानेंगे एंड जो बी डी है वो रेडियस लेकर हम सेंटर बी से जब एक सेमी सर्कल ही मान लो ड्रॉ करोगे एंड वो इस लाइन को जो रियल नंबर लाइन है उसे किसी पॉइंट पर कट करेगा, राइट, जिस पॉइंट पर वो कट करेगा उसे नाम दे देते हैं ई। तो ये ई वैल्यू ही हमें जो है अंडर रूट 3.5 की जो वैल्यू है वो हमें नंबर लाइन पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऊपर किया अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो कि हम लोगों ने जो है वो रैशनल नंबर को और इरैशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पर ड्रॉ करा था, सिमिलरली हम लोग इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं। वही स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ लेना इसे ध्यान से, इस वीडियो को पॉज करके मैंने वही चीज बताई है कि जो ये बी डी है वो हमें अंडर रूट 3.5 की वैल्यू देगा एंड उसके बाद टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन लेट अस ट्रेस द बी सी एज अ नंबर लाइन एंड सपोज बी एज अ एज सेंटर लिख सकते हो and C as 1. Draw an arc with the center B and radius BD which intersect the number line on E. तो आप देख लो यहाँ पे ये जर्नलाइज डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर अगर हमारा
3.5 है, तो ये जो अंडर रूट एक्स लिखा है वहां पे 3.5 आ जाएगा एंड यहाँ पर हमें 3.5 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, लाइक 2.5 ले लिया हमने, तो यहाँ पर जो बीडी बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास जो बीडी बनेगा एंड वही आप कट करोगे, जो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो ही हमें अंडर रूट 2.5 की वैल्यू देगा एंड ये जो बीडी होगा वो अंडर रूट 2.5 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी का एक और मेथड भी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो सही है या नहीं, लाइक जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर बताई होगी कि कैसे निकली। तो क्या करोगे आप लोग, करोगे एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ओ पॉइंट था, यहाँ डी पॉइंट था एंड इनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास जो ये ट्राइंगल है ओ डी बी, ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बी पर जो है एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपको जो है बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो ओ डी की वैल्यू क्या होगी, ओ डी की वैल्यू सोचो क्या होगी। ओ डी की वैल्यू जो है ये एक तरह से रेडियस ही है इस सेमी सर्कल का, इसका मतलब जो OD की वैल्यू है वो इक्वल्स टू है OA की वैल्यू एंड वो हमने क्या निकाली थी, लाइक हमने 3.5 अंडर रूट 5 का एग्जांपल ले रहे हैं, हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो आई थी 2.25, राइट। यहाँ पर 3.5 लिख लेते हैं एंड ये अभी हमें पता नहीं, ओके। तो अब आ गई, हमें OD की वैल्यू मिल गई, अब हमें किसकी चाहिए, OB की। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये जो था OC वो था हमारे पास वही 2.25, राइट। तो ये 2.25 है, तो अगर हम इसमें से OC में से हम BC माइनस कर दे जो कि है BC 1, तो 2.25 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा, राइट। तो वो आ गया 1.25, तो इतना वैल्यू जो है हमें 1.25 मिल गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ट्राइंगल ओ बी डी पर तो क्या आएगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हमें बी डी चाहिए, तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बी डी स्क्वायर। तो ओ डी की वैल्यू रख दो 2.25 का स्क्वायर माइनस बी ओ बी की वैल्यू रख दो 1.25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो आप जब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, खुद से करके देखना इसको सॉल्व एंड प्लीज कैलकुलेटर से मत करना, अभी तुम्हें बहुत ईजी लगेगा कि चलो ठीक है कैलकुलेटर से कर लेते हैं, बट इससे आपकी कैलकुलेशंस जो है आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी एंड आप जब इसको रियल लाइफ में कैलकुलेशन करना चाहोगे, लाइक आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि ये इतना है ये तो इतना डबल कितना होगा, तो आप लोगों को फिर माइंड के अंदर कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, ये मैंने पर्सनली फील करा है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस होती है मैथ्स में ये खुद से करा करो, इससे जो आपकी कैलकुलेशन पावर है वो इंक्रीज होगी, ओके। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके जब आप देखोगे तो वो आ जाएगा 3.5, ठीक है स्क्वायर। अब बी डी जो है वो हो जाएगा अंडर रूट 3.5, ओके। तो ये जर्नलाइज फॉर्म है, लाइक आप कोई भी नंबर ले सकते हो एंड उसको नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है वो जर्नलाइज पर लगाई है कि लाइक हमारे पास ये ए बी जो है वो क्या है एक्स है और बी से सी जो है वो वन, ओके। फिर हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एंड गाइज मेरी ड्रॉइंग पर मत जाना, बहुत खराब है आई नो, ठीक है। और यहाँ पर ओ पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो है इतना पार्ट ए से बी ये एक्स है और ये वन है, राइट। तो हमें ये जो वैल्यू है ओ बी की ओ ए ये क्या हो जाएगी, वन प्लस एक्स प्लस वन इतना प्लस इतना, इसका अगर हमें ओ जो है मिड पॉइंट निकालना है तो इन दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय टू कर दिया तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन बाय टू। तो ये जो ओ ए की वैल्यू है वो आ गई एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है। अगर ओ ए की वैल्यू एक्स प्लस वन बाई टू है तो ओ डी की वैल्यू भी एक्स प्लस वन बाई टू ही होगी। अब निकालते हैं ओ बी की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी ओ बी की वैल्यू, ओ सी में से हम
ओसी में से हम बी सी माइनस कर देते हैं, तो ओसी हमारे पास क्या है, सिमिलरली जैसे ओ ए था एक्स प्लस वन बाय टू माइनस वन, तो आप करोगे तो ये आएगा एक्स माइनस वन बाय टू, तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वन बाय टू। अब ये एक्स माइनस वन बाय टू है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली आप जब इसको जो है पाइथागोरस में लगाओगे एंड सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, तो फिर बी डी क्या हो गया, अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये जर्नलाइज फॉर्म है, आप ऊपर वाले एग्जाम्पल पर भी लगाकर देख सकते हो। आप सोचते होगे कि मैथमेटिशियंस ने कैसे वो अंडर रूट जो है वो वैल्यू निकाला बी डी का अंडर रूट, तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसे निकाला होगा। अब जैसे हमने अंडर रूट एक्स को है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, एक्स की जगह 3.5 का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, बट क्या आपको पता है अंडर वन बाय अंडर रूट टू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर? तो आप लोगों ने ही अपनी जो क्लासेस है स्कूल्स में नहीं सीखा होगा, बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़े एंड आपका जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज हो। तो वन बाय अंडर रूट जो है उसको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पहले रैशनलाइज करना आना चाहिए। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, करते हैं वन बाय अंडर रूट टू हमें गिवन है, उसका क्या करोगे आप लोग, रैशनलाइज कर दोगे ये जो इरेशनल नंबर गिवन है अंडर रूट टू बोथ ऊपर एंड नीचे, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया। जो ये वन बाय अंडर रूट है, अंडर रूट टू है, ये पूरा ही इरेशनल नंबर है, राइट। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो हम आपको क्या करना है, वन को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट टू से, वो आ गया अंडर रूट टू, एंड अंडर रूट टू क्या होता है, वो होता है टू। आप सोचोगे ये भी हमने नहीं पढ़ा, बट ये बहुत ज्यादा इजी है। हम लोगों ने इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करना सीखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जाकर देख लो। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर वन सेंट यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करा था एंड यहाँ पर वन यूनिट का लाइन ड्रॉ करा था, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने यहाँ पर अंडर रूट टू वैल्यू हमारी आ गई थी, तो ये क्या है, ये है नंबर लाइन। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने इसे कट किया था इस तरह से, तो ये जहां पर जाकर कट हुआ था वो हमें अंडर रूट टू की वैल्यू दे रहा था, राइट। अब ये अंडर रूट टू की वैल्यू आ गई, तो ये अंडर रूट टू की वैल्यू आ गई इनटू, अगर इसको ब्रेक करें वन बाय टू, तो इसका मतलब क्या है, जो अंडर रूट टू की वैल्यू नंबर लाइन पर आ रही है अगर हम उसका हाफ कर दें तो हमें जो है अंडर रूट टू बाय टू की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो सपोज आपको यहाँ पर अंडर रूट टू की वैल्यू मिल रही है, तो अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट है ओ, मतलब ओरिजिन है, उसके बाद अगर हम लोग इस ये पूरी जो वैल्यू है अंडर रूट की अगर इसको हाफ कर दें, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है ये यहाँ तक वन था, इस पॉइंट पर जाकर हमें अंडर रूट टू बाय टू की, इसको ई ले लेते हैं, जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी।